बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रिपरेशन के सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और ये आपका जो इंटरव्यू का कोर्स है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इक्वली वैलिड है, हर जगह पे अप्लाई होता है किसी भी पोस्ट के लिए। ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 19 तक की पोस्ट के लिए आपका जो इंटरव्यू है उसके लिए ये कारामद है आपका ये कोर्स। और आपको बताता चलूं इस क्वेश्चन में और इस सेशन में आगे जाने से पहले कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन का कंप्लीट कोर्स जो है हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं, www.harvardacademy.com। और ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। और आज हम जो इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। क्वेश्चंस जो आज का हमने कवर करना है वो है हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ। ये क्वेश्चन किसी भी पैटर्न पे पूछा जा सकता है कि आप अपने बारे में बताएं, अपनी खूबियां बताएं, अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं। तो ओवरऑल बाय एंड लार्ज जो आपका आंसर है वो ये पूरा सेशन कवर करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने इस जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपने कैसे देना है। तो ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट थ्री वर्ड्स वुड यू यूज़ टू डिस्क्राइब योरसेल्फ, कि वो कौन से तीन अल्फाज हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को सही तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जिनको आप चूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह इसको इस लेसन के एंड पे मैं आपको एक सीरीज ऑफ वर्ड्स बताऊँगा कि उनमें से कोई ना कोई आपकी पर्सनैलिटी के साथ फिट आएगा, मैच करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी इंटरव्यू का क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाता है तो उसके तीन स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है एक अच्छा आंसर करने के लिए। ये थ्री स्टेप क्या हैं, प्रोसेस टू आंसर एनी क्वेश्चन, कोई भी पूछा जाए। सबसे पहले जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आपने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई व्हाट इज़ रियली बीइंग आस्क। आपने ये सोचना होता है कि जो सवाल है वो किस सेंस में क्या पूछा जा रहा है। आपकी थोड़ी सी गैर तवज्जो आपको वो मिसअंडरस्टैंड की तरफ ले जाती है, और आपकी जो तवज्जो ना देने का एक अमल है वो आपका बहुत वीक एरिया होगा और आपको बड़ा नेगेटिवली इम्पेक्ट कर सकता है। लिहाजा जो सवाल आपसे पूछा जा रहा हो आपने बड़ा एक्टिव होकर उसको सुनना होगा और उस पर गौर करना होगा एक्टिवली। प्रेजेंट सॉलिड फैक्ट्स दैट हाईलाइट योर पॉजिटिव क्वालिटीज़, अपने जवाब को इंतहाई मौसर अंदाज से और पॉजिटिव वे में आपने बताना है, भले उसमें मायूसी का भी एलिमेंट हो तो आपने कुछ ना कुछ उसमें रे ऑफ होप निकाल के उससे बात करनी है। तीसरे नंबर पे आपने उसके क्या करना है, प्रोवाइड क्लियर एग्जांपल टू सपोर्ट योर क्लेम, तो जो आप बात करें उसकी आपने एग्जांपल भी कोट कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से है तो आपने कोई ना कोई आपका गुज़श्ता कोई वाकया है तो उसको बयान करेंगे तो और भी आपका जो है वो पॉजिटिव इमेज कन्वे होगा। तो ये आंसर करने के लिए टू हेल्प यू डिसाइड हाउ टू डिस्क्राइब योर सेल्फ इन एन इंटरव्यू, के जो आपका ये सवाल है जो आपने अपने बारे में बताना है उसका जवाब कैसे देंगे, ये इसका आंसर हम कुछ एग्जांपल से कवर करेंगे। आप फर्स्ट क्या बोलते हैं, आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क, कि मैं अपने काम को बड़े जोश व खरोश से करता हूँ या जोश व खरोश से करने का मुझे एक पैशन है, अपने काम के साथ में पैशन के साथ चलता हूँ, बड़ा एक जोश और जज्बा होता है मुझ में जो मैं काम करता हूँ। तो एवरी एम्प्लॉयर सीक्स टू हायर पीपल हु इंजॉय देयर वर्क, बट द वर्ड पैशन इवोक्स फीलिंग्स ऑफ डेडिकेशन एंड लॉयलिटी। व्हेन समवन इज़ पैशनेट अबाउट द वर्क दे आर डूइंग, they are naturally committed to quality and positive outcomes। तो जो passion का word है बहुत important है। तो हर एक hire करने वाला जो होता है एक employee से expect करता है कि जो उसका employee है अपने जो है वो मुहिब्बुल वतनी के साथ या बड़े जोश और जज्बे के साथ अपना काम को करे। तो इसमें example आप कैसे quote कर सकते हैं, I am passionate about my work because I love what I do, जो मैं करता हूँ उससे मुझे मोहब्बत है। और कोशिश भी करें कि आपकी जो फेवरेटिज्म है इन लाइन विद योर जो आपका प्रोफेशन है, लेट्स सपोज आप कॉमर्स के लोग हैं
तो आपको कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप अटैच हों, जिसको करने से आप फील करते हों कि ये चीज़ आपकी फील्ड में आपको आगे भी ले जाएगी, और दूसरे नंबर पे आप उसको लाइक भी करते हैं, उसमें आपका शौक भी है और उसमें आपकी स्किल भी है। अगर आप ये कहेंगे कि आपको पैशन है काम करने का या किसी सब्जेक्ट के साथ या अपनी फील्ड के साथ, और आप उसी सब्जेक्ट या जिस टॉपिक पे आप बात करते हैं उसमें आपकी ग्रिप ना हो, तो आप वीक पड़ जाएंगे। और जब आपसे उसी के बारे में कोई सवाल पूछा जाएगा और आपकी सॉलिड ग्राउंड्स नहीं होंगे, तो भी आपका नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपकी पर्सनैलिटी को। तो आपने जो बात करनी है वो आपकी सॉलिड ग्राउंड्स होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके एक्सपीरियंस हैं, जो आपकी एग्जांपल्स हैं, जो आप बात करें वो शो करते हों। लेट्स सपोज आप ये कहते हैं कि आप स्टडी के साथ बड़ा जो है वो दिल लगी है आपकी, और आपकी एज 30 टच कर रही है, और सिर्फ आपने इंटर किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, या सिर्फ एक सिंपल मास्टर किया और उसमें भी सेकेंड डिवीजन है, और आप कहें कि आपको अपनी स्टडीज़ के साथ या अपने जिस फील्ड में आपने मास्टर किया बहुत लगन है, बहुत आप उसको शौक से करते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट्स आपके कुछ और बोल रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस होगा तो वो इररेलेवेंट फील्ड में हो, तो ये चीज़ें मैच नहीं करती। आपने अपनी पर्सनैलिटी को अपने जो अब तक किया है उसके साथ इनलाइन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव स्टडी सोर्स ऑफ मोटिवेशन दैट ड्राइव्स मी टू डू माई बेस्ट इन माई लास्ट जॉब, दिस पैशन लेड मी टू चैलेंज myself daily and learn new skills that help me to do better work. For example, I taught myself how to use Photoshop to improve the quality of our photos and graphics. I soon became the go-to person for any design needs. तो अगर फर्ज किया आप ये कहते हैं कि फोटोग्राफी का मुझे शौक है, तो फिर आपको स्किल भी होनी चाहिए, आपकी डेडिकेशन शो करती हो कि अब तक उसमें आपने क्या कुछ किया हुआ है। तो जिस काम से पैशन शो करें उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए और उसमें आपकी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। इसके अलावा आप कहते हैं आई एम एम्बिशियस एंड ड्राइवन, कि मैं हमेशा कुछ नया करने का मुझे शौक रहता है और मैं हमेशा कोशिश में लगा रहता हूँ कुछ ना कुछ करने की। तो आपकी हिस्ट्री भी शो करे, आपकी लगन भी शो करे कि वाकई है आप एम्बिशियस भी हैं और ड्राइव भी करते हैं अपने पर्सनैलिटी को। एम्बिशन एंड ड्राइव आर टू क्वालिटीज़ दैट आर इसेंशियल टू सक्सेस एंड ग्रोथ। तो सक्सेस और ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें, एक आपका वो एम्बिशन यानी कि एम्बिशियस होना चाहिए उसी मुतालिक कि आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और दूसरे नंबर पे लगातार हमेशा कोशिश करते रहना है उस मिशन के लिए जो आप अपने लिए गोल सेट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में सामने आनी चाहिए, और आपकी जितनी भी एफर्ट्स हैं जो पास्ट में आपने की हुई हैं वो शो करने चाहिए। व्हेन एन एम्प्लॉयर हायर एंड एम्बिशियस कैंडिडेट दे कैन रेस्ट अशोर्ड दिस न्यू हायर विल कंसिस्टेंटली सीक वेज टू इम्प्रूव देमसेल्फ एंड कीप देयर आईज फर्मली सेट ऑन देयर नेक्स्ट गोल। तो जो ऐसा बंदा होता है, जो एम्बिशियस होता है, अपनी जो उसकी मैंडेट दिया गया होता है, जो उसका डिपार्टमेंट होता है, जो उसका प्रोफेशन होता है, जहाँ पे वो काम कर रहा होता है, उसको वो कामयाब करने के लिए हमेशा कोशिश में लगा रहता है, और जो अपनी कोशिश में लगा रहता है वो अपने लिए गोल सेट करता है। जो गोल सेट करने वाला होता है वो उस गोल को अचीव करने के लिए नए नए रास्ते तलाश करता है, और उसके पास ट्रिक्स आते हैं और वो अपनी सक्सेस अचीव करता है। और जो ऐसा पर्सन होता है जो एम्बिशियस भी हो और अपना मोटिवेटेड भी हो, ड्राइवन भी हो, अपनी एनर्जीज़ को लगाता हो उस काम को करने में और अपनी गोल को अचीव करने में, तो वो न्यू रास्ते जो है तलाश करता है और इनोवेटिव होता है। इसकी एग्जांपल अब फर्ज़ किया हमें किसी आप देना चाहें, आई एम एम्बिशियस एंड ड्राइवन, जब आप ये बात करते हैं तो आई थ्राइव ऑन चैलेंज एंड कॉन्स्टेंटली सेट गोल्स फॉर माई सेल्फ। तो ये आपकी खासियत होनी चाहिए कि आप कॉन्स्टेंटली गोल सेट करते हैं। तो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो आपके सामने होनी चाहिए ये गोल्स कि आप दिन में कितनी काम करते हैं और महीने में आपके कितनी गोल्स हैं और लास्ट 3 मंथ में, 6 मंथ में, 1 साल में आपने कितनी गोल्स अचीव किए और कोई आपको उसका रिवार्ड अवार्ड या कुछ ऐसा मिला। सो आई हैव समथिंग टू स्ट्राइव ऑन टूवर्ड, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विथ सेटलिंग एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू डू बेटर एंड अचीव ग्रेटनेस। तो जो सेटल होने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं, वो नई चीज़ें नहीं करते। जो नए करने का शौक़ रखते हैं वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मौके
वो देखते हैं और उनको हासिल करते हैं, और उसके लिए उनकी पर्सनैलिटी उनको मोटिवेट करती है, वो ग्रूम करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को और अपने एक्सपीरियंसेस को वाइड करते हैं। जो लर्नड बंदे होते हैं जिनके पास स्किल होती है उनसे वो जाके सीखते हैं। इन माई प्रीवियस रोल आई वॉज प्रमोटेड 3 times इन लेस दैन 2 years। तो ये एक मुँह बोलता सब होता है जो एक बंदा काम करना वाला हो और कुछ ड्यूरेशन में काफ़ी सारी गोल्स अचीव करे तो उसको ऑटोमेटिकली प्रमोशन होती है। और प्रमोशन मिलना भी शॉर्ट टाइम में ये एक जो मिसाल है उसकी कि कोई बंदा एम्बिशियस होता है और ड्राइवन होता है। अगर फ़र्ज़ किया आप में से कोई सवाल करता है कि आई एम हाईली ऑर्गेनाइज्ड, कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी हूँ, और दूसरे नंबर पर मैं जो है हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके से ले कर चलता हूँ कि मैं जो मैं करने चाहता हूँ वो मेरे सामने मेरी टेबल पे होता है, और जो मैं इरादा करता हूँ उसको समेट लेता हूँ, और जो मेरे प्लान्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू माय जो एनर्जीज़ माय एफिशिएंसीज़ होता है, और उसको जो टाइम फ्रेम मैं उसके लिए डिज़ाइन करता हूँ प्लान करता हूँ मैं उसको अचीव भी करता हूँ। तो ऑर्गेनाइज्ड होना बंदे का बड़ा मैटर करता है एक सक्सेस के लिए। ऑर्गेनाइज्ड कौन होता है? वो ऑर्गेनाइज्ड होता है जो प्लान करता है उसके लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा वो अपने एफिशिएंसीज और स्वॉट एनालिसिस करने के बाद उसको अचीव भी करता है, और वही ऑर्गेनाइज्ड होता है जो अपने मामलात को समेट लेता है और उसके अंदर ये एफिशिएंसी होती है कि वो अपने मामलात को समझ सके और प्रायोरिटाइज कर सके कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद करना है, सेकंड में कौन सा करना है, थर्ड पे कौन सा करना है, और वो प्रायोरिटी कितनी जल्दी उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन जो होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल मैन होते हैं। तो कैसे इसकी होता है? एन ऑर्गेनाइज्ड कैंडिडेट इज़ अ डिटेल्ड ओरिएंटेड कैंडिडेट एंड समवन एन एम्प्लॉयर कैन ट्रस्ट टू मीट डेडलाइंस। और जो ऑर्गेनाइज बंदा होता है उस पर जो उसका एम्प्लॉयर है जो उसको डेडलाइन देता है उससे वो एक्सपेक्ट करता है, जो ऑर्गेनाइज बंदा होता है वो उस डेडलाइन से पहले अपने गोल्स को अचीव कर लेता है या जो उसको टारगेट गिवन होते हैं वो मीट करता है। दिस क्वालिटी इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड अदर रोल दैट रिक्वायर एडहेरेंस टू प्रोसेस एंड क्वालिटी। जहाँ पे क्वालिटी का मैटर हो, प्रोसेस का मैटर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हो, प्रोजेक्ट बेस्ड काम हो, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज बंदे जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहते हैं अचीव करने में। इसकी एग्जाम्पल अगर फर्ज के कोई देना चाहे तो एक उससे देख लेते हैं कि आप किस तरीके से लिंक करते हैं। आई एम हाईली ऑर्गेनाइज, जब ये बात करते हैं कि मैं ऑर्गेनाइज हूँ तो फिर क्या निशानी होनी चाहिए आप में? आई ऑलवेज टेक नोट्स, कि मैं अपने नोट्स बनाता हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है और नेक्स्ट वीक तक आपने क्या क्या अपने काम करने हैं। एंड आई यूज़ ए सीरीज ऑफ टूल्स टू हेल्प माई सेल्फ स्टे ऑन टॉप ऑफ डेडलाइन। और जो मेरा डेडलाइन मेरी करीब होती है मुझे पता होता है कि टॉप प्रायोरिटी पर मैंने ये काम करना है और वो करता है। आई लाइक टू कीप ए क्लीन वर्क स्पेस एंड क्रिएट अ लॉजिकल फाइलिंग मेथड सो आई एम ऑलवेज एबल टू फाइंड व्हाट आई नीड। जो बंदा ऑर्गेनाइज होता है अपना उसकी टेबल साफ होती है, जो उसकी प्रायोरिटी वाइज काम होते हैं उसके सामने पड़े होते हैं और वो उनको देख रहा होता है कि मैंने इनको परसू करना है। आई फाइंड दिस इंक्रीज एफिशिएंसी एंड हेल्प्स द रेस्ट ऑफ द टीम स्टे ऑन ट्रैक। जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो उनसे पूछता रहता है और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है क्योंकि उसको फाइलें जो है वो बार बार जो है टर्न अराउंड नहीं करनी पड़ती और उसको देखना नहीं पड़ता कि मेरा प्रायोरिटी वाला काम कौन सा है, बल्कि वो पहले ही उनकी सॉर्टिंग करता है कि टॉप प्रायोरिटी मेरी बिल्कुल फ्रंट पे है, राइट साइड पे उसके दूसरी प्रायोरिटी है और थर्ड नंबर पे लास्ट में जो पड़ी हुई चीज़ उसको मैंने देखना है। इन माई लास्ट रोल आई क्रिएटेड ए न्यू फाइलिंग प्रोसेस दैट इंक्रीजेज डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी 25%। कि मैंने फाइलिंग का एक सिस्टम ऐसा जनरेट किया जिससे 25% तक एफिशिएंसी बढ़ गई। इसके अलावा आई एम अ पीपल पर्सन, कि मैं लोगों में रह के काम करता हूँ, लोगों के साथ मैं घुल मिल जाता हूँ, और जो लोगों के साथ घुल मिल जाने वाला होता है उसकी नेचर ऐसी होती है कि वो दूसरों की सपोर्ट हासिल करता है, और जब दूसरे लोगों के साथ घुल मिल जाने वाला बंदा होता है वो शाही नहीं फील करता कि उससे गलती होगी, दूसरे क्या फील करेंगे, और जो दूसरा अपने आप को दूसरों से आइसोलेट रखता है वो हमेशा नाकामी से डर होता है और वो हमेशा थोड़ा हेजिटेट करता है और फियर रहता है उसको दूसरे लोगों से। जबकि जो लोगों में रह के काम करने वाला होता है दूसरे लोग भी उसकी हेल्प करते हैं, अच्छा मशवरा भी उसको मिल जाता है और उसको हेजिटेशन भी नहीं होती। तो कामयाबी का एक ये भी उसूल है, जो लोग कामयाब होते हैं वे दूसरे लोगों से घुल मिल जाते हैं, जल्दी उनसे मिलनसार बन जाते हैं, उनसे हाल पूछते हैं, उनसे तजर्बा लेते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। सम पीपल आर नेचुरली आउटगोइंग कन्वर्सेशनल एंड क्विकली फाइंड वेज टू फील एट होम इन ग्रुप्स ऑफ कम्प्लीट स्ट्रेंजर। दिस एट्रीब्यूट इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर प्रोफेशनल इन कस्टमर सर्विस एंड
सेल्स पोजीशन। तो कस्टमर सर्विस की मामला हो या सेल पोजीशन की बात जब होती है तो इस तरह के लोग जल्दी होते हैं, वो दूसरे नए लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं और बातचीत करते हैं और उनको अपनाइत फील होना शुरू हो जाती है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम अ पीपल पर्सन, आई लव अ मीटिंग न्यू पीपल एंड लर्निंग अबाउट देयर लाइव्स एंड देयर बैकग्राउंड्स। आई कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज फाइंड कॉमन ग्राउंड विद स्ट्रेंजर्स एंड आई लाइक मेकिंग पीपल फील कम्फर्टेबल इन माई प्रेजेंस। जब मैं मौजूद होता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द लोग जो हैं वो खुल के बात करते हैं, जो वो सोचते हैं वो कर सकते हैं, मैं उनका ट्रस्ट जीत लेता हूँ, ये मेरी क्वालिटी है। कुछ लोगों में होती है, तो ये जब आप बताते हैं तो ये लोगों की कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो आपसे शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स आपसे बताते हैं या आपको एडवाइसेज करते हैं। आई फाइंड दिस स्किल इज़ स्पेशली हेल्पफुल व्हेन लैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स विद न्यू क्लाइंट्स। जब नया किसी काम के साथ, नए लोगों के साथ मैं मिलता हूँ, उनके पास नई कोई चीज़ होती है, तो लोगों के साथ घुल मिल जाना, उनसे पूछ गछ करना, उनसे सवाल लेना और उनसे फीडबैक लेना, ये एक बंदे की पर्सनैलिटी में इनहेरेंट चीज़ हो जाती है कि उसके लिए नया और अननोन प्रोजेक्ट होता है वो आसान हो जाता है। इन माई प्रीवियस जॉब माई क्लाइंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स वर 15% ओवर द कंपनी एवरेज। के लोग जो कंपनी के पास आते थे उनकी जो फर्ज किया सेटिस्फैक्शन का लेवल अगर 50% था तो जो मेरे से लोग सेटिस्फाई होते थे, मेरे बारे में फीडबैक देते थे, वो तकरीबन 65% तक सेटिस्फाई होते थे। तो ओवरऑल मेरी सेटिस्फैक्शन कंपनी की सेटिस्फैक्शन से ऊपर जा रही थी, तो ये एक सक्सेस होती है। देखें इस सेशन में ये जो हमारा क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसके बारे में हम मज़ीद भी हैं और एंड पे हमने इसके काफ़ी सारे जो हैं पॉइंट्स हैं वन बाई वन, जैसे नेचुरल लीडर है या लोगों के साथ घुल मिल जाना या फिर जो है वो सेल्फ ड्राइवन है, एम्बिशियस है, इस तरह के बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो मैं एंड पे आपको बताऊंगा। लेकिन ये सेशन चूँकि लंबा हो रहा है इसलिए आपकी बोरियत को भी मद्देनज़र रखना, आप जितना करें कवर उसको ज़रा ध्यान से कवर करें और उसको शौक से लर्न करेंगे तो अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो इंशाल्लाह आई एम ए नेचुरल लीडर, इस पर हम नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आप हमारे कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये लिंक गिवन है www.howardacademy.com और आप सेल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।